हील पेन। पेशेंट को पूरा दिन चलना तो होता ही है, जिससे उस एरिया को हीलिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हील पेन के पेशेंट ज़्यादा क्रॉनिक मिलते हैं। और रात में रेस्ट करने से कुछ हीलिंग ज़रूर होती है, लेकिन चलने से वो हीलिंग फिर पहले ही स्थिति में पेशेंट आ जाता है। अब बात करते हैं पंचक्रम की। नाड़ी स्वेद या पोटली स्वेद कराने से प्राय देखा गया है कि पेन बढ़ जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देते हैं। एक्चुअली हील का पूरा टिश्यू एक्यूटली इन्फ्लेम्ड होता है, और इसमें हम ज़्यादा हीट देते हैं तो पेन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कारण बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर नाड़ी स्वेद करवाना भी हो तो कम समय के लिए कराना चाहिए और थोड़ा दूर से कराना चाहिए ताकि हीट कम मिले। और इसमें प्याले में पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के 10 मिनट पैरों को रखना, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं अग्निकर्म की। अग्निकर्म इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। अग्निकर्म में हम पिन पॉइंट एरिया पे हीट देते हैं ज़्यादा, बाकी जो एक्यूट इन्फ्लेम्ड टिश्यू है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए अग्निकर्म इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। उसका आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, या आसपास के एरिया में जो कोई सिखाता हो वहाँ आप सीख सकते हो। और पेशेंट को इसमें क्या एडवाइस करना चाहिए, सुबह जब वो उठे तो हील के एरिया में अंगूठे की टिप से एक्यूप्रेशर की तरह प्रेशर दे 5 मिनट, उसके बाद ही उठे। और ज़मीन पर पैर रखते हुए कुछ कदम पहले वो अपने पंजों के बल चले, फिर अपना नॉर्मल चले। और इसमें स्टमक क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें हम शूज़ की बात करें, या तो पेशेंट स्पोर्ट्स शूज़ डाले या बिल्कुल हल्की एड़ी वाले शूज़ डाले। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो बॉडी वेट है वो पैर के पंजों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और एड़ी पे प्रेशर कम पड़ेगा, जिससे उस एरिया को हील होने में हेल्प होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर हम हील पेन में अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। थैंक यू।